हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मनीष यादव, स्वागत है मेरे चैनल बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स अचीवर में। दोस्तों, आज कुछ बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ मेंस फिजिका के लिए कि मुंबई प्रो शो होने वाला है, उससे 212 कैटेगरी के प्लेयर्स अपडेट, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ होने वाली है और काफ़ी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अफरोज खान के बारे में, और एक बैड न्यूज़ है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि ये अभी इंजर्ड हो चुके हैं। एक एक्सीडेंट के कारण इनका शोल्डर इंजर्ड हो गया है, सो आने वाले गेम में नहीं खेल पाएंगे। मुंबई प्रो शो या और भी जितने गेम थे इनके, वो अभी खेल नहीं पाएंगे। तो ये बैड न्यूज़ है हर उन फैन के लिए जो इनसे उम्मीद लगाए हुए थे। खैर, हम तो काफ़ी उम्मीद किए हुए थे भाई, काफ़ी मेहनत करके एक बॉडी बिल्डर उस स्टेज तक पहुंच पाता है भाई। खाना छोड़ना पड़ता है, पानी कम करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल है इस लाइफ में। और वहाँ उतना मेहनत करने के बाद अगर कोई इंजर्ड हो जाए, वो अपने कारण से नहीं किसी और के कारण से, तो बहुत दुख होता है। बट कोई नहीं, मुझे विश्वास है कि नेक्स्ट टाइम अफरोज खान और इससे बेटर करेंगे। इंजरी होने के बावजूद थोड़ा लक साथ नहीं है, लेकिन भगवान चाहेंगे अल्लाह ताला जल्दी इन्हें सही कर दे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर कैसे इंजर्ड हुए, क्या कुछ बोल रहे हैं अफरोज खान। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं। फ्लाइट की इंजन खराब है, हमें फ्लाइट से उतरना पड़ा और सब एक्चुअली लोग सुनते नहीं है, तो भगदड़ सी मच गई थी। जब भगदड़ मच रही थी, वो गेट थी एयरपोर्ट की, वो दोनों गेट ऐसे जोर से बंद हुई और दोनों शोल्डर मेरे उसमें फंस गए। तो इस शोल्डर में इंजरी नहीं आई, इसमें ज्यादा आ गई, और वो पूरे लोहे, तो उसमें शोल्डर जैसे ही मेरे दबे, मैं वहीं गिर गया था और मेरी बैग भी फट गई थी वहां पे। और उस समय इतना पेन नहीं हुआ, और उसी शोल्डर पे पता है मैं बैग को रख के लेके आया हूँ, और वो मेरा बढ़ते गया। हाँ, सही बात है, उस टाइम इतना पता नहीं चला होगा, बाद में ना। सेकेंड डे जब वर्कआउट स्टार्ट किया, हल्का हल्का पेन और रात को सूजन, बस वहां पे खराब हो गया वर्कआउट। मेरा रॉन्ग का शो चला गया, मेरा पोलैंड का चला गया, मेरा इंडिया का भी चला गया। कोई ना फिरोज भाई, आपकी जगह पे एक बंदा भेज रहा हूँ मैं, अपना एक बंदा कर रहा है, बाहर से आएगा आपकी जगह। मुझे पता है, बात हुई मेरी। तो आप सुन सकते कि काफ़ी अफसोस जाहिर कर रहे हैं भाई, क्यों ना हो। इतना मेहनत करके कोई भी बंदा अगर स्टेज पे ना पहुंचे तो काफ़ी दुख होता है भाई, बहुत स्ट्रेस झेलना पड़ता है। फिर भी कोई नहीं भाई, हम लोग इंतज़ार करेंगे कि अब जल्द से जल्द सही हो जाए। दोस्तों, सेकंड न्यूज़ है मुंबई प्रो शो 212 कैटेगरी डिवीज़न से, जिसमें समीर त्रौदी कम्पीट करने वाले हैं, और एक काफ़ी मशल मास के साथ उतरेंगे स्टेज पर, और साइज इनका देख सकते हैं कि काफ़ी ख़तरनाक भी दिख रहा है भाई। क्यों ना उतरे, अगर आपका कंपटीटर सामने इतना ख़तरनाक हो तो आपको तो मसल मास लेकर आना ही पड़ेगा, और साथ में कंडीशन भी काफ़ी ख़तरनाक होना चाहिए। ऐसे इनका कंपटीशन सुनील यादव से होने वाला है, और दोनों का कंडीशन बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। मुंबई प्रो शो काफ़ी हाइप क्रिएट करने वाला, काफ़ी मज़ा देने वाला है इस बार का मुंबई प्रो शो, तो मिस नहीं करना भाई। अगर आप आसपास में हो तो ज़रूर इसे जाकर देखना। थर्ड न्यूज़ आ रही है, सिद्धांत जसवाल सर ने एक पोस्ट किया है जिसमें वो लिख रहे हैं मुंबई प्रो शो अब 2 वीक्स 2 डेज आउट है, तो वो अपडेट कर रहे हैं लोगों कि मैं 30 तारीख को वहाँ पहुँच रहा हूँ और गेम में आप लोग के साथ पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, मिलने वाला हूँ आप लोगों से। तो खैर, सिद्धांत सर से तो मिलने का सबको इंतज़ार रहता है भाई, कोर किंग है। तो सर, आप जल्दी से पहुँचे मुंबई और लोग से मिले, हम लोग भी वहाँ आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, फोर्थ न्यूज़ है मौसूद के तरफ से आ रहा है, और इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है सभी को, 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं इनका इंस्टाग्राम पर। तो खैर, ये बंदा भी माय डियर है, काफ़ी अच्छा बंदा है भाई, तो इनका फॉलोअर्स तो बनना जेन्युइन सी बात है। एंड लास्ट न्यूज़ है गुरुजी के टिप्स, तो इस बार काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो डाले हैं, क्योंकि
एक खास करके उन बिगनर के लिए है जो आकर जैसे तैसे एक्सरसाइज यूट्यूब वगैरह से देखकर या कोई बड़े बॉडी बिल्डर को देखकर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, बट ये नहीं जानते उनसे उनको फ़ायदा है हो रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ बता रहे हैं गुरुजी। दोस्तों, किसी भी बॉडी पार्ट की इस तरह की ये उल्टी सीधी मूवमेंट आपको सोशल मीडिया पे बहुत करते मिलेंगे। कई यूट्यूबर्स भी हैं, कई हमारे एथलीट भी हैं। देखो, बिगिनर्स को और इंटरमीडिएट एथलीट, मेरा सजेशन ये है कि आप बेसिक से जुड़े रहें। आपको मास बिल्ड करना है या अपने आप को शेप अप करना है, बेसिक एक्सरसाइज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जब आप सीधे सीधे चल के एक रास्ते को कम टाइम में तय कर सकते हैं, तो उसी रास्ते को टेढ़ा मेढ़ा चल के ज़्यादा टाइम क्यों ले रहे हो आप? बेसिक एक्सरसाइज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप अपना डंबल और बारबेल से बढ़ के कोई एक्सरसाइज नहीं है। कुछ मशीनें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ अलग करने के चक्कर में ऐसे मूवमेंट दिखाए जिनका कोई प्रोडक्टिव इफेक्ट नहीं है। चलो, उनके लिए ठीक है, जो बड़े चैंपियंस हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो किसी भी मूवमेंट को करें उनको फील आ जाएगी। लेकिन आप जो बिगिनर हैं ना और इंटरमीडिएट एथलीट है, आप बिल्कुल बेसिक से जुड़े रहें, जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो खास तौर से मेरा मैसेज आज का आपके लिए ये। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।